सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी साउथ अफ्रीका से कुछ चीतों को लेकर आए हैं, जिनको मध्य प्रदेश के जंगलों में छोड़ दिया गया और ये चीते पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। चाहे तो आप अखबार उठा के देख लो, टीवी देख लो या सोशल मीडिया, हर जगह चीते ही छाए हुए हैं। अब जब चीतों का जिक्र हो ही गया है तो मैं भी एक वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये जो तस्वीर आप लोगों को दिख रही है, इसमें है बद्रीराम जाखड़, जाट पूर्व सांसद पाली राजस्थान जाम्बिया से, जो नेशनल पार्क में चीतों के साथ टहलते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा बरेली के टंडिया फार्म हाउस वाले जाट द्रोगा साहब ने वर्षों तक शेर पाले हैं, और इसके अलावा बहेड़ी बरेली के जमींदार चूड़ा सिंह सिरसा वाले के जाट परिवार ने 60 वर्षों तक अपने 700 एकड़ के फार्म पर शेर पाले हैं। अब हमारे देश की मीडिया को तो सिर्फ यही काम रह गया है कि पूरे दिन टीवी पर चीते को ही दिखाते रहें। खेत में जाते हुए देश भर के हजारों किसानों को इस तरह के जानवर रोजाना दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे देश की मीडिया द्वारा आज पूरे दिन कुछ चीतों को दिखाया जाना देश में गुलामी मानसिकता का प्रतीक मात्र है, जो जानबूझकर देश का ध्यान गंभीर मसलों से भटकाने के लिए लगातार किया जा रहा है। क्या इस देश में सिर्फ चीते देखने का ही काम रह गया है? न जाने कितने लोग हमारे देश में भूखे मर रहे हैं, किसानों को उनकी फसल का रेट अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा, हर रोज मर्डर हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं और डकैतियां हो रही हैं, जिसका हमारी सरकारों का कोई ध्यान नहीं। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।